नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोज जयसवाल। आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेम। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेडमी 13C 5G में किस तरह से ऑलवेज ऑन स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऑलवेज ऑन स्क्रीन किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना अपने मोबाइल की सेटिंग में। ये रहा सेटिंग, यहाँ पर मिल गया ऑलवेज ऑन स्क्रीन। इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर ऑलवेज का स्क्रीन का सेटिंग करने का ऑप्शन है। एक घड़ी है, इसको सेट कर सकते हो। जो भी घड़ी चाहिए, जो भी इसमें से डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है, या टाइमिंग वाला हुआ या नीचे कार्टून टाइप का एनिमेशन दिया, इसमें से जो भी आप चाहते हैं, एक बार ओके करके फिर आपको सिंपली अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपके स्क्रीन पे सेटिंग हो जाएगा। फिर जब भी आप मोबाइल लॉक करके या ऐसे करके रखोगे तो आपके स्क्रीन पे हमेशा शो करेगा, कभी भी बंद नहीं होगा, एनी टाइम आपको शो करेगा। और यहाँ से ये ऑप्शन किया, डिस्प्ले लेयर दिया है, तो आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं अपने हिसाब से सेटिंग। लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको आपको ऑन करके रखना ही पड़ेगा, जो सबसे फर्स्ट वाला है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया है, जिस कलर का आप टाइटल या नाम लिखकर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो सेटिंग कर सकते हैं। अलग अलग कई डिज़ाइन का कलर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब के एडजस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं। नाम वाला ऑप्शन था, नीचे दिया है आपका टाइम या कुछ लिखना चाहते हैं, या घड़ियाल है, घड़ी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, फ्लावर कर सकते हैं। नीचे जो एनिमेशन डिजाइन दिया हुआ है ये कर सकते हैं, टाइम वाला कर सकते हैं। सिंपली एक बार ओके करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना होगा, फिर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।